आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The question is which one of the following of the plant growth substances is not a growth promoter? I A A zeberlins kinetin abscisic acid. तो चार यहाँ पे हार्मोन दिए गए हैं कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस है जो कि ग्रोथ प्रमोटर नहीं होगा? तो हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको मेनली दो कैटेगरी के, के अंदर डिवाइड किया गया है कुछ हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं वो हमारे ग्रोथ होंगे और कुछ प्लांट्स की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं वो हमारे इनिबिटर्स होंगे प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑक्सिन और साइट्रोकाइन और हमारे प्रमोटर हो जाएंगे ziberlans. इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स के अंदर आ जाएंगे हमारे एब्सेसिक एसिड और इथाइलिन ये दोनों हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होंगे तो सबसे पहले दिया गया आईएए आईएए स्टेंड्स फॉर इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ये हमारा ऑक्सीन का एग्जांपल है मेनली रिस्पॉन्सिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए पार्थिनोकार्पी के लिए सेल एलोंगेशन तो ये हमारा प्लांट ग्रोथ होगा की बात करें तो ये मेनली इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज कराएगा सीड को जर्मिनेट कराता है काइनेटिन की बात करें मेनली सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेनेसेंस को डिले करता है तो तीनों हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे एप्सिक एसिड या हम बोल सकते हैं ए बी ए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं और ये जो हमारा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टूमुलेट करता है स्टोमेटल क्लोजर को तो ये स्टोमेटा को क्लोज कराता है ओके और उसके साथ साथ ये एप्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सैनिसंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है तो ये हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का एग्जाम्पल है सो करेक्ट ऑप्शन फोर ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर